If 11 y equal to 90, then what is the value of expression 10y, 10 2y, 10 3y, 10 4y, 10 5y, 10 6y, 10 7y, 8 9 and 10. ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो, समझने वाली बात यह है कि अगर a प्लस b 90 होता है तो 10a इंटू 10b जो होता है वो कितना होता है. पर 10a तो 10a हो गया और b की जगह कितना आ जाएगा 1090 माइनस है यानी कि cot a, है ना. 10a इंटू cot a कितना होता है. इफ ए प्लस बी इज 90 तो 10a इंटू 10b कितना होता है 1. तो ये याद रखना, ये छोटी सी चीज. ये y है और ये 10y है. y प्लस 10y 11y, यानी कि इन दोनों का सम कितना रहा 90 आ रहा है. तो इन दोनों का सॉल्यूशन कितना आएगा 1. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 1. 2y प्लस 9y कितना आ रहा है 11y आ रहा है, यानी कि 90 आ रहा है. तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आएगा 1 आएगा. 3y प्लस 8y 11, तो इनका प्रोडक्ट भी कितना आएगा 1 आएगा. 7 और 4 11, इनका भी 1 आएगा. 6 5 11 इनका, तो 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करा लो तो कितना आएगा 1 आएगा. बस ये याद रखने वाले. इफ साइन ए इज p एंड साइन b इज q, वेयर मॉडुलस ऑफ p एंड मॉडुलस ऑफ q आर बोथ लेस देन 1, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव होगा, देन व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ साइन ए प्लस बी. तो साइन ए प्लस बी का मतलब है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन. साइन में ही कन्वर्ट कर लें, साइन ए कॉस बी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी, और इसे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर. साइन ए कितना है पी, ए पी, और ये अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर. देखो, अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर की दो वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस कोई भी, ठीक है. ऐसे ही अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर की भी क्या वैल्यू होंगी, दो होंगी, प्लस माइनस, है ना. तो हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4, तो 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हमारे पास हो सकते हैं. आंसर कितना आ जाएगा इसमें,